अध्यात्म वांग्मय की महानिधि विचित्र द्रव पर्याय में चैतन्य वस्तु का वस्तुत्व की झलक भूत ग्रंथराज समय सार अध्यात्म योगियों की अग्रिम पंक्ति के श्रवणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी ने आत्मपिदेशों को झंकृत करने वाली सटीक एवं व्यवहारिक उदाहरणों से युक्त गुण परंतु अंतस्थ को छूने वाली अध्यात्म देशना प्रदान की है। समय देशना ग्रंथ को आचार्य भगवान ने 17 भाग में पूर्ण किया है। आचार्य भगवान कुंद कुंदाचार्य स्वामी द्वारा प्रवचन सार पर आधारित विकिष्ट देशना ज्ञानानंद के प्रतीक स्वरूप प्रवचन सार पर प्रवचनकार ज्ञानानुभूति कराने वाले आचार्य श्री ने इस कृति का अध्ययन करने वाले पाठकों को भी ज्ञानानंदय बना दिया। प्रवचन सार पर देशना स्वरूप यह प्रस्तुत विकिष्ट देशना ग्रंथ है। परम करुणाशील आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज ने पुरुषार्थ देशना नामक इस ग्रंथराज के माध्यम से पथ भ्रांत राहगीर को समय रहते सावधान होने का संदेश प्रदान किया है। नियम देशना अनूठी है क्योंकि इसके माध्यम से देशनाकार ने लोक के प्रत्येक प्राणी को संस्कार सदाचार और विशुद्ध चारित्र की प्रेरणा दी है। विषय स्पष्टता की दृष्टि से नियम देशना अप्रतिम है। मोक्ष प्राप्ति का साक्षात कारण ध्यान है। ध्यान की महत्ता को जानकर ही जैनाचार्यों ने अनेक ध्यान विषयक ग्रंथों की संरचना की है। उन्हीं में तत्वानुशासन एक प्रमुख ग्रंथ है। जैन परंपरा में ध्यान का विशेष महत्व इसलिए है कि ध्यान के माध्यम से ही साक्षात मुक्ति प्राप्त होती है। प्रत्येक साधक की साधना का उद्देश्य भी मोक्ष प्राप्ति होता है। तत्वार सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र जैन दर्शन और यति एवं श्रावक के आचार को समाहित किए प्रोजनीय जीव अजीव आश्रव बंद संवर निर्जरा एवं मोक्ष तत्वों का रूपण करता है। यह देशना प्रवचनामृत से पूर्ण कलश है। समाधि तंत्र 5वीं सदी ईस्वी के सुप्रसिद्ध दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी पूज्यपाद स्वामी जी की अनुपम आध्यात्मिक कृति है। इसी महान ग्रंथ का अनुशीलन आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी ने किया है। आचार्य भगवान द्वारा लिखित विस्तृत विवेचनात्मक कृति स्तोभ देशभाष एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथ है। वस्तुतः इस कृति के स्वाध्याय मनन और चिंतन से भावात्मक की शक्ति विकसित होकर उस स्वानुभूति का अनुभव कर सकती है जिसके द्वारा मान अपमान लाभ अलाभ हर्ष विषाद आदि में समता भाव धारण किया जा सकता है। योग सार ग्रंथ में आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी ने समय सार जी के गुण रहस्यों को जितनी सरल भाषा में समाविष्ट किया है उतना ही दर्शन पक्ष को सरल सुबोध सहज भाव से प्रतिपादित किया। अध्यात्म देशना ग्रंथराज की महिमा अवर्णनीय है। स्वरूप संबोधन परिशीलन द्वारा आचार्य विशुद्ध सागर जी ने इस ग्रंथ को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। स्वरूप संबोधन 5वीं सदी में 25 श्लोकों में आत्मस्वरूप का परिचय अनेकांत दृष्टि से दिया है। आचार्य भगवान ने श्रावक धर्म देशना ग्रंथ मूल ग्रंथ रत्नाकरण श्रावकाचार पर पूर्णता आधारित प्रवचन ग्रंथ है। 2वीं सदी के ग्रंथ में प्रतिपाद्य विषयों के मूल भाव को सुरक्षित रखते हुए इसे 21वीं सदी के अनुरूप प्रस्तुत किया है। यह ग्रंथ आचरण संबंधी विशिष्ट ग्रंथ है तथा ग्रस्त धर्म का व्याख्यान करने वाला ग्रंथ है। पूज्य गुरुदेव की 10 धर्मों से संबंधित अनोखी कृति श्रवण धर्म देशना आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथ रेण सार पर आचार्य श्री ने प्रवचन किए जिसमें आचार्य भगवान ने शिथिला चार के घोर का विरोध किया। आचार्य भगवान ने इस ग्रंथ को पढ़ा ही नहीं आत्म सात भी किया है। इस कृति का नाम सागार अंगार धर्मदेशना विस्तृत कृति सर्वोदय देशना में आचार्य श्री ने स्तूप देश के वैभव को उद्घाटित करते हुए उसमें वर्णित वैराग्यमयी चिंतन की उपयोगिता को अनुभूत कर आध्यात्मिक रसिकों को सरल सहज एवं बोधगम्य भाषा में अपूर्व सुधा रसपान कराया है।
जैसे कटु औषधि, जटिल परिवेश के अंतर्गत मीठी चाशनी में मिलाकर चटाई जाती है, उसी प्रकार आचार्य भगवान जी रोचक, सरल, अगम्य रूप में अनेक विषयों की समाविष्ट रूप में प्रस्तुत किया। तत्वदेशना स्वसंवेदी श्रवण महाकाव्य आचार्य भगवान श्रीमद योगेंद्र देव स्वामी द्वारा रचित ज्ञानांकुश ग्रंथ पर आधारित सत ज्ञान देशना। आचार्य विश्व सागर जी का आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक प्रवचन पांडित्य सत्यार्थ भूत रूप में प्रकट हुआ है। आचार्य भगवान कुंद कुंदाचार्य स्वामी द्वारा रचित वर्षानुपेक्षा 12 भावना पर आधारित आचार्य भगवान ने अपनी अनुभूतियों को जो शब्द दिए हैं वे बड़े हृदयस्पर्शी हैं। पढ़ते ही मन में वैराग हिलोरे लेने लगता है। आचार्य भगवान जी की प्रेक्षा देशना मोक्षाभिलाषियों के लिए अत्यंत उपकारी है। प्रत्येक श्लोक में कितना रहस्य भरा हुआ है, इस रहस्य को उद्घाटित किया है अध्यात्म योगी गुरुदेव आचार्य भगवान ने अपनी सामायिक देशना कृति में, जिसमें देशना का एक एक शब्द विद्वानों के हृदय को गदगद कर देता है। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा रचित सार समुच्चय पर आधारित सद देशना विस्तृत देशना देश देश व घाट घाट पर पानी पीने वाले पदयात्री करपात्री पहुँचे हुए आत्मनिष्ठ ययावर श्रवण के मुख कमल से निश्चित सर्वहारा सूत्र रूपी सुरभित पुष्पों का हार है। देशनाकार की सद देशना की भाषा लोक भाषा है। भाषा सरल, सुगम, अवगम्य है। श्री कुंद कुंद के मंतव्यों को यथार्थ रूप से प्रस्तुत करने वाले एक ऐसे आचार्य रत्न का उद्भव हुआ जो नाम से विशुद्ध और आत्मा से भी विशुद्ध। इस विशुद्धता ने विशुद्ध प्रमेय का प्रतिपादन करके मुमुक्षु विद्युत जगत को नई विशुद्ध दिशा दी है। अलिंगक गहनम उपयोगी आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले परमार्थ एवं व्यवहार के विषयों को भ्रम रहित प्रकाशित करने वाला अद्वितीय ग्रंथ है। 47 शक्तियों का आध्यात्मिक गरिष्ठता एवं ज्ञानमय विवेचना के साथ विशद व्याख्यान का प्रसंग प्रथम बार ही आया है। आचार्य श्री का उपकार तो श्रोताओं और पाठकों के मन मस्तिष्क में सदैव उच्च स्थान बनाए रहेगा। आचार्य श्री की कविताएं अगाध, गहन व विस्तृत ज्ञान से परिपूर्ण हैं। शास्त्रों से निश्चित अमृत की बूंदें हैं। ये धर्म के मर्म को उद्घाटित करती हैं, जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने की कला सिखाती हैं। ये श्रेष्ठ विचार कर्ण हैं, कम शब्दों में सारभूत कथन सूक्तियां हैं, जैसे कि ध्रुव स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, वस्तु स्वभाव, चित स्वभाव, सत स्वभाव, शब्द अध्यात्म पंथी, आध्यात्मिक चर्या, चिंतनकार कुंद कुंदाचार्य जैसे तात्मिक मनीषी भारती वसुंधरा पर अनेकों हुए, जिन्होंने आध्यात्मिक चर्या चिंतन से विषयांध जीवन शैली को समय समय पर अध्यात्म पथ प्रदत्त किया। व्यक्तित्व कृतित्व के धनी परम पूज्य आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज जब वे आत्मवेशी चिंतन में डूबते हैं तब अंतस से तात्विक मोती बिखर पड़ते हैं। ऐसे ही मोतियों को लेखनी से जो संभाला सिंगारित किया वही बहुत सी तरंगणियों के रूप में अनुपम भेंट है, जैसे कि निजात्म तरंगणी, शुद्धात्म तरंगणी, स्वानुभाव तरंगणी, निजानुभाव तरंगणी, तत्व तरंगणी, तीर्थंकर प्रभु द्वारा प्रदत्त दिव्य देशना मधुर प्रिय मनभावन एवं कल्याणकारी होती है, जो मानसिक शारीरिक स्वस्थता हेतु परम औषधि तुल्य उपकारी है। आचार्य भगवान ईश्वर श्री विशुद्ध सागर जी द्वारा रचित कृतियां पंचशील, अमृत बिंदु, आयना, सार सूत्र, देशना बिंदु, बोध वाक्यमृत, विशुद्ध वचनामृत, अध्यात्म वचनामृत, अध्यात्म वाणी, भव्य वर्णम, दिव्य वर्णम, अरहत सूत्र, बोधि सूत्र, सोहित करते हुए संपूर्ण जीवों के प्रति मैत्री करुणा भाव से ओतप्रोत होकर अनेक कृतियों का सृजन करना देशना आदि देकर पर जीवों के भी हित का मार्ग प्रशस्त किया है और कर रहे हैं।
उन्हीं योगी आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज ने आत्मबोध, तत्व बोध, बोधि संचय, प्रवचन प्रभा, प्रवचन प्रदीप, प्रवचन पीयूष, चिंता रहस्य, जीवन रहस्य, आत्मा राधना, आचार्य श्री सकल कीर्ति भट्टारक विचरित सुभाषित रत्नावली ग्रंथ में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी ने इस ग्रंथ में आचार्य भगवान देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, आवश्यकों, मूल गुण, बारह व्रत, लौकिक समीचीन व्यवहार, देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति निष्ठा आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला है। उदार मना, अनन्य उपकारी आचार्य रत्न इक्ष्वाड विशुद्ध सागर जी महाराज ने हम सब पर महत उपकार किया है, जो ऐसे अचिंत योगियों की जीवन धारा में हमें अवगत कराया है, जैसे कि बाप देश तारको गुरु, गुरुवो भवंतु शरणम। आचार्य भगवान के द्वारा आने वाली एक कृति वस्तुत्व महाकाव्य, सत्यार्थ बोध, परमागम देशना, पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज ने संपूर्ण विद्याओं पर अपनी लेखनी चलाकर अपनी शुद्ध भक्ति को प्रकट किया है तथा अनेक विषयों को गुण रहस्यों में कहा है तथा अनेक शिष्यों को सद्बोध प्रदान कर रहे हैं। यह उनकी असीम अनुकंपा है। अपनी साधना के अमूल क्षणों में से समय निकालकर शुद्ध निबंधन किया है। उनके इस परम उपकार को कभी भी विस्मित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक श्रावक को अपने जीवन को संस्कारित एवं चारित्रवान बनाने हेतु इन सभी ग्रंथों का अभ्यास सतत करते रहना चाहिए। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान इक्ष्वाड विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।